हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इट्स स्ट्रक्चर एंड ग्राफिकल मेथड से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे निकालना है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले है इसकी फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन कैसे बनी है, देखिए. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू सम बिजनेस प्रॉब्लम्स. ओके, इसमें करना क्या होता है, देखिए. कोई भी हम अगर बिजनेस स्टार्ट करें, तो उस बिजनेस में हमारे पास कोई भी दो या तीन ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसकी हमने प्रोडक्शन करनी है. तो उसके ऊपर कॉस्ट भी आएगी और उससे हमें प्रॉफिट भी मिलेगा. ओके, अगर उसकी कॉस्ट की, बेसिकली वो प्रॉब्लम अगर कॉस्ट के ऊपर हो गई, मीन्स आपको दिया जाएगा कि एक्स जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए इतनी कॉस्ट लगी है और जो वाई ऑब्जेक्ट है उसके लिए इतनी कॉस्ट लगी है. दैट मीन्स ए एंड बी आर, ये कॉस्ट हो जाएगी फिर. ओके, अगर ये बेसिकली कॉस्ट की प्रॉब्लम होगी तो इसको हम करेंगे मिनिमाइज, क्योंकि कॉस्ट को हमने बिजनेस में मिनिमाइज करना होता है. ओके, और अगर ये प्रॉब्लम बेस्ड होगी ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स अगर हमें पता चले कि एक्स के ऊपर इतना प्रॉफिट मिलेगा हमें और वाई ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना प्रॉफिट मिलेगा, मीन्स बी प्रॉफिट मिलेगा, तो उस प्रॉफिट को हमने उस प्रॉब्लम को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज. ओके, तो डैट मीन्स वो प्रॉफिट की प्रॉब्लम होगी. डैट ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इस प्रॉब्लम से ही हमें पता चलेगा कि उसे मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है हमने. ओके, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, विच हैज टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होंगी, इनक्वालिटीज की फॉर्म्स में होंगी. ओके, जैसे हमारे पास है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 10, इनको हम बोलते हैं इनक्वालिटीज. अगर यहाँ इक्वल को साइन पाए तो ये बनेगा लीनियर फंक्शन और लीनियर इक्वेशन. अगर हम यहाँ लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दें तो इसको हम बोलेंगे इनक्वालिटीज. ओके, इसका मीनिंग है, देखिए, जैसे हमारे पास एक टाइम बाउंडेशन है. टाइम बाउंडेशन मीन्स जैसे एक्स ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए 3 आवर्स लगेंगे और वाई ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए 4 आवर्स लगेंगे, और हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, हमारे पास है 10 आवर्स जिसमें हमने काम करना है. ओके, तो ये हो गई हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, मीन्स रिस्ट्रिक्शंस गिवन है. और क्या कह सकते हैं कि एक्स ऑब्जेक्ट के लिए हमें रॉ मटेरियल इतना दिया गया है और वाई ऑब्जेक्ट के लिए रॉ मटेरियल हमारे पास इतना है, और उसकी कुछ बाउंडेशन दी गई है कि हमारे पास टोटल इतना ही है और इसमें ही हमने उसको प्रोड्यूस करना है. ओके, तो ये हो गई हमारी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स. क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ इनक्वालिटीज. क्लियर. नाउ थर्ड पॉइंट इज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन. इसका मीनिंग क्या है, अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो क्या मानकर चलेंगे कि प्रॉफिट या तो हमारे पास जीरो होगा. ओके, मींस होगा ही नहीं, और हम मानेंगे कि और जीरो से ज्यादा होगा, नेगेटिव नहीं हम इसमें काउंट करेंगे. ओके, तो इसको हम कहेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ओके, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, ये फॉर्मुलेशन है. हमने सिर्फ करना क्या है, इसमें ग्राफिकल मेथड ही करना है. तो इसका पहला कॉन्सेप्ट होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. ओके, जैसे हमारे पास है, देखिए, एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, ये तो सभी को मालूम होगा. वाई एक्सिस इज वर्टिकल एंड एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल. ओके, तो देखिए, एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे पास, इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो. मीन्स जो भी एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स किस टाइप के होंगे, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 अप टू सो ऑन, और इधर भी -1.0, -2.0 अप टू सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. एक्स एक्सिस के मीन्स जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट, जिसमें जीरो होंगे एक्स एक्सिस में. ओके, एक्स 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 अप टू सो ऑन. क्लियर स्टूडेंट्स. और जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉइंट्स होंगे, इसमें क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी जीरो. मीन्स इसमें क्या होगा, 0.4, 0.3, 0.2 अप टू सो ऑन. जैसे जैसे इसमें -3 है तो ये लगेगा 0.-3 अप टू सो ऑन. ओके, नाउ फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इसकी फॉर्म क्या होगी, वाई इज इक्वल टू सम नंबर होगी. अगर हमारे पास इक्वेशन हो जैसे वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके, इनक्वालिटी है हमारे पास, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको बनाना कैसे, हमने पहले इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे, डेट इज वाई इज इक्वल टू 2. तो वाई इज इक्वल टू 2 जो बनेगा, दैट इज, देखिए, जीरो कॉर्डिनेट इसमें, वाई इज इक्वल टू 2 में एक्स कॉर्डिनेट जीरो होगा, तो एक्स कॉर्डिनेट जीरो होगा, मीन्स ये कहाँ होगा, पॉइंट 0.2, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा.
जाएगा. ओके, तो इसकी जो लाइन बनेगी दिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये लाइन जो बनेगी ऐसे बन जाएगी, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड ये पैरेलल बन गई एक्स एक्सिस के. ओके, एंड दिस इज वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो इसकी डायरेक्शन जैसे देखनी है हमने, डायरेक्शन देखिए, जब इसका रीजन तैयार करेंगे हम तो वाई की जो वैल्यू है वो टू से बड़ी होगी, टू की से बड़ी होगी, डैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी दिस विल बी अपवर्ड साइड. ओके, अपवर्ड्स होगी इसकी डायरेक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसकी रीजन इधर की साइड बनेगा, ऊपर की साइड. नेक्स्ट, अगर हमारे पास है वाई इज लेस देन इक्वल टू वन, तो पहले तो y इज इक्वल टू वन के लिए जो लाइन बनेगी दिस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ बन जाएगी ये लाइन. ओके, तो देन y लेस देन इक्वल टू वन का मीनिंग है कि y की वैल्यूज वन से छोटी होंगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स टू डाउनवर्ड्स. ओके, तो ये इधर की साइड इसकी डायरेक्शन बन जाएगी. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. इसकी पहचान क्या होगी, इसमें एक्स की वैल्यू गिवन होगी. ओके, जैसे हमारे पास है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो एक्स इज इक्वल टू टू ले लिया हमने, पहले इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे, देन इक्वालिटी में इसको डायरेक्शन देखेंगे इसकी. जैसे एक्स इज इक्वल टू टू आ गया, डैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, मीन्स टू कॉमा जीरो पॉइंट देखना है हमने. टू कॉमा जीरो पॉइंट कहाँ होगा, ऑन एक्स एक्सिस. तो ये बनेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन बन गई, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इसकी डायरेक्शन कहां होगी, टू से बड़ी, मींस राइट की तरफ, इधर की साइड होगी ये डायरेक्शन इसकी. ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी ये डायरेक्शन बन जाएगी. नाउ नेक्स्ट लाइन इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन. नाउ माइनस वन देखना है हमने, पॉइंट कहां होगा, ये हो गया हमारे पास माइनस वन. तो इसकी लाइन बनेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि माइनस वन को मैं जीरो ये बन जाएगा, और लेस देन इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स की जो वैल्यूज हैं वो माइनस वन से छोटी होंगी. माइनस वन से छोटी किधर की साइड होंगी, लेफ्ट साइड की तरफ. तो इसकी डायरेक्शन भी कहां होगी, लेफ्ट साइड की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. नाउ नेक्स्ट इज स्लंटिंग लाइन, जो दो तरह की होगी. जैसे एक लाइन ऐसी भी हो सकती है, एक लाइन ऐसी भी हो सकती है शेप की. ओके, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे. जैसे हमारे पास फर्स्ट है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन इक्वल टू 12. पहले तो इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने इसको बनाएंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 लिखेंगे पहले. ओके, तो इसमें एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को 0 पुट करेंगे. नाउ लेट पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास बनेगा 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12. तो इसमें से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, सॉल्व करके. तो मीन्स हमें पॉइंट क्या मिल गया, x की वैल्यू 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3. ओके, एक पॉइंट मिल गया. एंड सेकेंड पॉइंट मिलेगा हमें बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास बनेगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12. डैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 12. तो इसमें से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4. मीन्स x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0. तो हमारे पास हमेशा, जब भी हमारे पास ऐसी इनक्वालिटी हो, तो इसको पहले इक्वल टू के मीन्स लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है. उसके बाद एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी. तो हमें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे. जैसे दो पॉइंट्स आ गए 0.3, एक आ गया 4.0. ओके, 0.3 देखिए कहाँ होगा, जो 0.3 होगा डैट मीन्स x कोऑर्डिनेट इज 0 विच विल बी ऑन y एक्सिस. ओके, y एक्सिस ये हो गया 0.3 एंड 4.0 कहाँ होगा, यहाँ हो गया. ओके, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारी लाइन. ओके, ये एक शेप हो गई लाइन की, जो पहली शेप होगी. तो इसकी हमने डायरेक्शन डिसाइड करनी है. इसकी डायरेक्शन देखिए बिल्कुल सिंपल होगी. जैसे अगर हमारे पास होगा लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू का मीनिंग है कि वो छोटी होगी वैल्यूज. ओके, तो छोटी कहाँ होगी, टुवार्ड्स डाउनवर्ड्स, ये होगी, यहाँ शेप बनेगी इसकी. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का केस होगा तो उसमें उसकी डायरेक्शन जाएगी अपवर्ड. ये तो क्लियर है. जैसे लेस देन इक्वल टू होगा डाउनवर्ड और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अपवर्ड. ओके स्टूडेंट्स, इसमें दो ही हमें स्टेप्स आने चाहिए. पहले तो लाइन को प्लॉट करना आना चाहिए और सेकेंडली उसको उसकी डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए हमें. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम डिस्कस करेंगे ये सेकेंड टाइप की लाइन.
नेक्स्ट लाइन की शेप जिसकी ऐसी होगी तो उसको कैसे प्लॉट करना है हमने, एक बार एक्स को वैसे ही करेंगे सॉल्व, पहले इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे, माइनस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, एक बार इसमें पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वी विल गेट वैल्यू ऑफ वाई एंड दिस विल बी वाई इज इक्वल टू टू। ओके, अब हम पुट करेंगे वाई की वैल्यू जीरो तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू फोर, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस फोर। तो पहले हमें कॉर्डिनेट मिल गया जीरो कॉमा टू एंड सेकेंडली हमें पॉइंट मिल जाएगा माइनस फोर कॉमा जीरो। ओके, अब इसको प्लॉट करना है हमने, माइनस फोर कॉमा जीरो कहाँ होगा, ऑन एक्स एक्सिस, ये हो गया यहां, एंड देन जीरो कॉमा टू कहाँ होगा, ऑन वाई एक्सिस, ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को, ये बनेगी हमारी लाइन ऐसी। अब ये बन गई लाइन, अब इसकी डायरेक्शन को देखिए कैसे बनाना है। अब हमने उसमें तो जो दूसरी लाइन बनाई है हमने इस शेप की, उसमें तो सिंपली देखिए जो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो इधर की साइड होगा, अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो इधर की साइड इसकी डायरेक्शन जाएगी। नाउ इस लाइन में हम ऐसे डायरेक्शन नहीं लगा सकते, इसमें करना क्या होगा हमें, इस लाइन के देखिए लेफ्ट साइड की तरफ भी हमारे पास पॉइंट्स हैं और राइट साइड की तरफ भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे। जैसे इसकी राइट तरफ राइट की साइड के पॉइंट्स कौन से हैं, माइनस थ्री कॉमा जीरो, माइनस टू कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा जीरो, वेरी सिंपल पॉइंट, डेट इज जीरो कॉमा जीरो, वन जीरो, टू जीरो, थ्री जीरो। ओके, अब आपकी अपनी मर्जी है कि कौन सा पॉइंट हमने इसमें पुट करना है। जैसे वेरी सिंपल पॉइंट जीरो कॉमा जीरो ही पुट कर लेंगे, इस लाइन की जो राइट साइड की तरफ पॉइंट्स होगा जीरो कॉमा जीरो हम उसको पुट करेंगे। देखिए इसमें तो मैं 0.0 पुट कर रही हूं, जैसे 1.0 भी पुट कर सकते हैं आप, 2.0 भी पुट कर सकते हैं, और इसकी अगर लेफ्ट साइड का कोई पॉइंट है वो भी पुट कर सकते हैं आप, कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो। जैसे हम पुट कर रहे हैं अब 1.0 पुट करेंगे, अगर रफली करना है ये काम, देखिए जैसे 1.0 हमारे पास लाइन है माइनस एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू, अब इसमें हम पॉइंट पुट करेंगे 1.0, जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे 1 एंड y की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस वन प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू फोर, मीन्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू फोर। अब हमने ये चेक करना है कि जो हमारे पास कंडीशन आई है ये ट्रू है कि फॉल्स। ओके, जैसे माइनस वन फोर से छोटा हो गया, डैट मीन्स इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू होगी कंडीशन, डैट मीन्स जो इस लाइन की डायरेक्शन होगी वो टुवार्ड्स डैट पॉइंट होगी जो पॉइंट हमने इसमें पुट किया है। जैसे हमने 1.0 लिया है पॉइंट, तो इस 1.0 पॉइंट के लिए ये ट्रू आ गई हमारे पास कंडीशन, डैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी लेस देन इक्वल टू वाली वो इसकी इस साइड की तरफ होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसकी जो डायरेक्शन जाएगी वो ऑपोजिट टू दिस पॉइंट जाएगी, फिर 1.0 पॉइंट के ऑपोजिट होगी इसकी डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ लाइन इज फोर्थ टाइप की लाइन जो होगी, दिस इज अ स्पेशल केस एंड ये बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो इसकी पहचान क्या होगी, इसमें एक एक्स की टर्म होगी और सिर्फ एक वाई की टर्म होगी, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। ओके, तो ये बन सकती है हमारे पास वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स हो सकती है, एक्स इज इक्वल टू टू वाई हो सकती है, एक्स इज इक्वल टू वाई, मेनली एक्स एंड वाई की ही टर्म होगी इसमें। ओके, तो ये बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करनी है हमने, बिल्कुल पिछले की तरह ही करनी है क्योंकि इसकी शेप ऐसी बन गई है। ओके, तो इसमें 1.0 अगर हम पुट करें, जैसे y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है तो इसमें 1.0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब 0 2 से बड़ा है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स कंडीशन। ओके, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू 1.0, तो इसकी डायरेक्शन इधर की साइड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। इसमें तीन तरह के सॉल्यूशंस होंगे, फर्स्ट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सेकंड इज अनबाउंडेड एंड थर्ड इज नो सॉल्यूशन। जब हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों मिलेंगी हमें। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेंगे वो वैल्यू हम, और इसमें जो रीजन बनेगा दिस इज फिजिबल रीजन। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है हमने प्रॉब्लम को, जेड इज इक्वल टू दिस वन एंड सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स ये हो गई हमारे पास, एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस गिवन है हमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, इस सॉल्यूशन में देखिए हमने करना क्या होगा, तो पहले तो हम जो कॉन्स्टेंट्स होंगे, जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे उतनी ही लाइन्स होनी चाहिए हमारे पास। इसमें कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3।
ओके, थ्री कॉन्स्टेंट्स हैं, डैट मीन्स थ्री इनक्वालिटीज हो गई, और इनक्वालिटीज के अकॉर्डिंग हमारे पास लाइंस भी कितनी प्लॉट होनी चाहिए, थ्री लाइंस ही बननी चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. नाउ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, जो लाइन होगी इनक्वालिटी जो गिवन है हमें, उसे वन बाय वन हमें इक्वेशन में लिखना है. जैसे इस पहले इसको लिखेंगे एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 120. ओके, तो इसमें अब पहले देखना है हमने, देखिए नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पहले तो हमने x एंड y की वैल्यू चेक करनी है. तो इसमें x एंड y की वैल्यू जो है हम 0 भी ले सकते हैं और 0 से बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं. ओके, तो हम हमेशा 0 ही लेंगे, तो इसके साथ जो कैलकुलेशन होंगी वो सिंपल बन जाएंगी. तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2y इज इक्वल टू 120 आ गया. डैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 60. ओके, तो इसके साथ हमारे पास पॉइंट, देखिए पॉइंट भी साथ के साथ ही लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे जाकर. x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0, एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 60. तो हमें एक पॉइंट मिल गया. नाउ नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास बन गया x प्लस 0 इज इक्वल टू 120. डैट मीन्स x की वैल्यू मिल गई हमें 120. तो पॉइंट क्या बनेगा इसका, 120. पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, देन y की वैल्यू लिखी जाएगी. नाउ 120 कोमा 0, तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स क्या बन गए, डेट वन इज 0,60 एंड अनदर इज 120,0. ओके, पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे सारे. नाउ सेकेंड लाइन देखिए, अब सेकेंड लाइन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60. x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो इसको हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे, इक्वल टू 60 आ जाएगा. एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 60. एक बार हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 60. ओके, दोनों ही केसेस में. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट बन गया 0,60 एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट बनेगा 60,0. डैट मीन्स हमें सेकेंड जो लाइन होगी उसके हमें पॉइंट्स मिल गए 0,60 एंड 60,0. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड लाइन इज, थर्ड लाइन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, डैट मीन्स x इज इक्वल टू 2y. देखिए क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ x एंड y टर्म्स हैं. सो दिस लाइन विल बी पासिंग थ्रू ओरिजन. ओके, तो ये लाइन जो बनेगी ये ओरिजन के थ्रू पास करेगी ये लाइन. ओके, स्पेशल केस होगा ये. नेक्स्ट, अब हम प्लॉट करेंगे इन सभी लाइंस को अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स. नाउ फर्स्ट लाइन देखिए, पहले तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट देख लेंगे हम, डेट इज 120. तो डैट मीन्स इसका जो डिफरेंस लेंगे हम 60-60 का डिफरेंस ले लेंगे. ओके, तो ये आ गया हमारे पास 30-30 का ले लेंगे. ओके, 30 ये बनेगा हमारे पास. नेक्स्ट 60, देन 90, देन नेक्स्ट आ जाएगा 120. यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास, देखिए 30, 60, 90 एंड 120. देखिए एक बात का ध्यान रखना है कि जो ग्राफ बनाएंगे हम वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम सा होना चाहिए. ओके, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास 0,60. 0,60 ये पॉइंट बन गया, और नेक्स्ट पॉइंट है 120,0, तो ये पॉइंट बन गया. ओके, तो इनको हम ज्वाइन करेंगे. तो ज्वाइन कर लिया हमने 60 एंड 120 को, तो ये लाइन हमें मिल गई फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन हमने प्लॉट कर ली, डेट इज इसके ऊपर हमने लाइन को रिप्रेजेंट करना है कि कौन सी लाइन बना रहे हैं हम. लाइन है ये फर्स्ट, तो ये बन गई x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन इज, इसमें है 0,60, ये पॉइंट बन गया, एक बनेगा 60,0. तो इसको भी लाइन को हम प्लॉट कर देंगे, दिस विल बी एज दिस 60,0, 0,60, ये बन गई हमारी सेकेंड लाइन. ओके, तो इस लाइन को भी में भी लिखेंगे, डेट इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60. देखिए एक बात का और ध्यान रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये ओनली दिस. ओके, तो इसमें हमने लिखना नहीं है, लाइंस को जो हमने रिप्रेजेंट करना है वो आउटसाइड ही रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, जस्ट हमें पता चल जाए कि ये कौन सी लाइन हम बना रहे हैं इसमें. नाउ नेक्स्ट लाइन इज x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्लियर है. तो ये लाइन कैसी बनेगी, पासिंग थ्रू ओरिजन. ओके, तो ये फोर्थ नंबर की लाइन हो गई, डैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y.
ओके और x माइनस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। नाउ इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा डेट इज कि हम इसकी डायरेक्शंस बनाएंगे। अब सभी लाइंस की डायरेक्शन को बनाना है हमने। ओके तो फर्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, x प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 120, तो ये बन गई लाइन दिस वन। तो इस लाइन की डायरेक्शन क्लियर है, देखिए जो जिसकी शेप ऐसी हो गई इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसमें सिंपली क्या होगा, अगर लेस देन इक्वल टू है डैट मीन्स देखिए जो हम डायरेक्शंस अब एरोज बनाएंगे छोटे छोटे, आप पेंसिल के साथ बना सकते हैं वो एरोज जो बनाएंगे वो हम इस सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे, सिर्फ इतने के एरिए में। ओके स्टूडेंट्स तो इसमें बनाना है, देखिए यहाँ से ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, सिर्फ इतने के एरिए में हमने एरोज बनाने हैं। तो इस लाइन से लेकर इस पॉइंट तक इसका एक रीजन बनेगा, तो इसमें छोटा सा हमने एरो बनाना है। ओके नेक्स्ट इस पॉइंट से नेक्स्ट इस पॉइंट तक एक एरो बना देंगे, जस्ट हमने देखना है कि एरो जो कॉमन रीजन होगा वही इसका फिजिबल रीजन होगा। ओके नाउ नेक्स्ट लाइन इज दिस वन, सेकेंड लाइन है हमारी एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दिस विल बी अपवर्ड्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नाउ यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉइंट को और यहाँ से लेकर हमने एक एरो बना दिया ऊपर की तरफ और यहाँ से लेकर यहाँ तरफ हमने बना दिया सेकेंड एरो। ओके ये बन गई एरो, दोनों लाइंस के एरोज डिसाइड हो गए कि कहाँ कहाँ इसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ जो थर्ड लाइन है डेट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, तो मैंने बताया है कि जिसकी भी शेप ऐसी होगी लाइन की तो उसमें हमने पॉइंट पुट करके देखना है, चाहे हम लेफ्ट साइड का पुट करें और हम राइट साइड का पुट करें। ओके इसका राइट साइड का हमें पॉइंट दिख रहा है डेट इज 30.0, बहुत सिंपल पॉइंट पुट कर लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में भी इजी हो। ओके तो इसमें हम देखिए पुट कर रहे हैं डेट इज एक्स, इसको रफली करना है हमने, एक्स माइनस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 30.0 पॉइंट हम पुट कर रहे हैं इसमें, डैट मीन्स एक्स की वैल्यू 30 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ गया 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके 30 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया डैट मीन्स ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई ये कंडीशन। अगर ये ट्रू हो गई डैट मीन्स जो इस लाइन की डायरेक्शन होगी दिस विल बी टुवार्ड्स पॉइंट 30.0, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एरो बना दिया हमने और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकेंड एरो बना लिया हमने और यहाँ से लेकर नेक्स्ट अपवर्ड नेक्स्ट एरो बना लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से इसका रीजन कैसे बनाना है हमने, रीजन को कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट हमें रीजन कैसे दिख रहे हैं, एक ये रहा रीजन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, हमने रीजन वो बनाना है, वो डिसाइड करना है, वो शेड करना है जिसमें सभी एरोज होंगे, सभी लाइंस के एरोज उस रीजन में ही होंगे। ओके जैसे देखिए इस रीजन को देखिए ध्यान से, इसकी जो लाइंस इसको बाउंड्री लाइंस जो हैं जो इसको इनक्लोज कर रही हैं इस रीजन को, सभी लाइंस को देखना है अब हमने। देखिए पहले इस लाइन को देखिए इसकी डायरेक्शन ठीक है, तो अगर नेक्स्ट लाइन को देखिए तो इसकी डायरेक्शन भी सही है और जो नेक्स्ट लाइन है इसकी डायरेक्शन देखें तो ये भी सही है। ओके तो डैट मीन्स, और ये तो है ही एक्स एक्सिस एंड एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डैट मीन्स जो रीजन बनेगा फिजिबल रीजन वो ये बनेगा। ओके तो ये रीजन बन जाएगा अब इसमें, तो इसको हम कर लेंगे डार्क। ओके तो ये रीजन बन गया, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यू होगी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन वो हम निकालेंगे। ओके अब इसमें बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स, डिसाइड करेंगे डैट इज ए बी सी एंड डी, जो भी इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन सभी को एक एक नाम दे देंगे। ओके ए बी सी डी, अब इसके हम पॉइंट्स बनाएंगे, इसको पॉइंट्स को देखिए कैसे बनाना है अब। तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास 60.30। ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट ऐसे सिमिलरली डी को भी सॉल्व करके हमने निकाल लिया पॉइंट, डी को सॉल्व करेंगे, डी इज द इंटरसेक्शन ऑफ देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, अब इनको भी ऐसे ही सॉल्व करना है हमने, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए और पीछे आ जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। ओके तो y की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे x माइनस टू इंटू 20 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगी 40, तो हमारे पास आ गया 40.20। ओके अब इन वैल्यूज को हमने पुट करना है इस फंक्शन में z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y में। नाउ x की वैल्यू पुट करेंगे 60, तो हमारे पास देखिए ऐसे बनेगा अभी 60 प्लस 10 इंटू 0, दिस विल बी 300,
सिमिलरली 120 पुट करेंगे, अब ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 600। नेक्स्ट 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30 एंड दिस इज इक्वल टू 300 प्लस 300 इज इक्वल टू 600। नेक्स्ट इज 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20 एंड दिस इज इक्वल टू 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400। ओके, अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसमें से, अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसमें से। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज निकालनी है, तो इसमें हमने देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसमें 600, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इसके दो केस बन जाएंगे, ये भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अब। ओके, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसमें 300। ओके, तो इसको आंसर को लिखना कैसे होगा, आंसर लिखा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इज 600 विद कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू, विद वैल्यूज x इज इक्वल टू 120 एंड y इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 30। ओके, एंड मिनिमम वैल्यू इज 300 विद x इज इक्वल टू 300 या 300 के साथ x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 60 एंड y की वैल्यू क्या आएगी 0। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें जो हमने रीजन बनाया है इसको हम बोलेंगे फिजिबल रीजन। ओके स्टूडेंट, फिजिबल रीजन बोला जाएगा इसको। क्लियर, अब आगे करेंगे हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इस केस के भी दो सब केसेस होंगे, एक मैक्सिमाइजेशन में कैसे करना है और मिनिमाइजेशन में कैसे करना है इसको। ओके, तो इसका सब केस फर्स्ट कर रहे हैं हम, दैट इज मैक्सिमाइज दैट इज इक्वल टू दिस एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिस। ओके, तो पहला स्टेप तो यही होगा कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे वो हमने उतनी ही लाइन्स बनानी है। जैसे फर्स्ट है, ये फर्स्ट कॉन्स्टेंट बन गया, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। देखिए एक बात का ध्यान रखना है हमने, इसमें अब हमें जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हैं वो दिए हुए हैं, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। x की वैल्यू क्या है इसमें गिवन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखिए जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिर्फ इनको छोड़कर बाकी जो भी वैल्यूज होंगी x एंड y की, और जैसे यहां x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, सिर्फ इसको छोड़कर बाकी जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी सभी की लाइंस बनेंगी। ओके, ओनली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की लाइन नहीं बनेगी। क्लियर स्टूडेंट्स, और इसमें अब गिवन क्या है हमें, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन नहीं है हमें अब। ओके, तो x की वैल्यू क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मीनिंग होगा कि x और y की वैल्यूज का हमने ध्यान रखना है कि x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं इसमें, या तो 3 ले सकते हैं हम और 3 से बड़ी। ओके, और y की वैल्यूज क्या ले सकते हैं, y की वैल्यू और 0 ले सकते हैं या 0 से बड़ी। तो x और y का इतना भी ध्यान रखना है हमने। ओके, तो इसकी लाइंस कितनी बनेंगी, 1, 2, 3। वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की लाइन नहीं बनेगी क्योंकि ये वाई एक्सिस ही होगी, एक्स एक्सिस होगी। ओके, एंड देन अब देखिए एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया पहले। एक्स इज इक्वल टू 3 क्या बनेगा, अगर एक्स इज इक्वल टू सम नंबर हो देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो ये लाइन बनेगी, तो ये फर्स्ट लाइन ही बन गई अब, 1, 2 एंड दिस इज 3, 1, 2 एंड दिस इज 3। ओके, तो ये x इज इक्वल टू 3 है, डैट मीन्स ये बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये यहां बन जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो ये बन गई हमें, हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गई फर्स्ट लाइन। अब नाउ सेकेंड लाइन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, तो इसमें क्या करना है हमने, देखिए x की वैल्यू क्या लेनी है, अब 0 नहीं लेनी। ओके, क्योंकि x की वैल्यू क्या गिवन है हमें, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो वी पुट x इज इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू 3 पुट की है हमने तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2। ओके, देन अब एक बार y, तो इसके साथ हमारे पास पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू आ गई 2। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट कैसे मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करके। अब y की वैल्यू तो 0 ले सकते हैं हम, जैसे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमें। ओके, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो इसके साथ हमें पॉइंट मिल गया 5, 0। तो इसके दो पॉइंट्स बन गए इस लाइन के, दीज आर 3,
टू एंड 5.0। अब इनको ही प्लॉट करेंगे। अब 3.2, थ्री थ्री ये आ गया हमारे पास और 2 ये आ गया। ओके तो ये पॉइंट बन गया एक तो, एंड दूसरा पॉइंट इज 5.0, दिस इज 4, दिस इज 5, 5.0 यहाँ बनेगा पॉइंट। ओके तो यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, ये ज्वाइन कर लिया, कर लिया हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे कौन सी लाइन है ये, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड लाइन इज x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसको इक्वालिटी में ही चेंज करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3। इसका ध्यान रखना है, बार बार मैं इसी बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि x की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी हमने इसमें। ओके तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। देन 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 मीन्स 1.5 आ जाएगा। ओके नाउ तो इसका जो पॉइंट बनेगा दिस विल बी 3.3/2। ओके नाउ नेक्स्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई को जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6 मीन्स पॉइंट बन गया यहाँ 6.0। तो यहाँ दो पॉइंट्स बन गए हमारे पास, वन इज 3.3/2 एंड सेकेंड इज 6.0। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इनको प्लॉट करेंगे। वन फर्स्ट इज 3.1.5, 3.1.5, 3 ये आ गया तो 1.5 आएगा यहाँ। ओके 1 पॉइंट इज देयर एंड देन 6.0 एंड 6.0 पॉइंट आएगा यहाँ। तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। अब ज्वाइन करेंगे अब। ओके स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल है। अगर सिंपली करेंगे सॉल्व वन बाय वन, तो इसको प्लॉट कर लेंगे वन बाय वन, देन इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। ओके नाउ ये लाइन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके अब इसका हमने तैयार करना है रीजन, कैसे तैयार होगा देखिए। नाउ फर्स्ट लाइन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड्स। ओके नाउ दिस लाइन इसकी डायरेक्शन होगी, मैंने बोला है कि आपको कि इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है सिर्फ इसमें ही हमने एरोज लगाने हैं। ओके नाउ फर्स्ट ये दिस लाइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एक एरो लगा दिया, देन नेक्स्ट एरो, देन नेक्स्ट एरो। ओके अब सेकेंड लाइन इज x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। नाउ दिस लाइन x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सो इट्स द डायरेक्शन विल बी अपवर्ड्स। तो ये यहाँ बन गया, नेक्स्ट यहाँ बन गया, नेक्स्ट यहाँ एरो बन गया। ओके नाउ नेक्स्ट लाइन इज ऑल्सो x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी अपवर्ड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया एक एरो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा सेकेंड एरो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा थर्ड एरो। ओके तो इसमें अब सारे जो भी रीजन बनते दिख रहे हैं हमें, तो उन सभी रीजन्स को चेक करना है, जिस रीजन में सभी एरोज इन्वॉल्व होंगे तो वही रीजन फाइनल होगा। ओके अब इस रीजन की अगर बात करें तो इस रीजन में जो ये लाइन है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। ओके तो ये रीजन नहीं बनेगा, तो इट मीन्स देखिए साफ दिख रहा है कि ये बन गया, देन इस लाइन की और इस लाइन की सभी की डायरेक्शन जो है आउटसाइड होगी। ओके तो इसका रीजन ये बनेगा, तो बाहर की तरफ बन जाएगा इसका सारा रीजन। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ओके अब देखिए अनबाउंडेड जब सॉल्यूशन आ जाए हमारे पास, तो उसमें हमने देखना है कि वो मिनिमाइजेशन का केस है और मैक्सिमाइजेशन का केस होगा। अगर तो देखिए हम कोई भी अनबाउंडेड मीन्स इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट केस। ओके तो इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है कि जो एक किसी ना किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है इनफाइनाइट जो है। ओके तो मीन्स उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम निकाल सकते हैं, जो उसका इनफाइनाइट चीज़ की हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, मीन्स उसकी हम एंड नहीं निकाल सकते। तो डैट मीन्स यहाँ से ही देख लो कि इसको इसकी हम मैक्सिमाइजेशन जो होगी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, मीन्स जो भी अनबाउंडेड रीजन होगा उसकी हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके तो सिंपली आपने क्या करना है, अगर हमारे पास प्रॉब्लम होगी मैक्सिमाइजेशन की
तो सिर्फ यहीं तक इसको स्टॉप कर देना है और सिंपली लिखना है हमने सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। ओके, इसमें कुछ नहीं करना आ गया। अब हमने इसको यहीं स्टॉप कर देना है, क्वेश्चन को यही आंसर आ जाएगा। और अगर ये होगी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम, तो इस अनबाउंडेड सॉल्यूशन के बाद हमने जो टेबल पिछले क्वेश्चन में तैयार किया है, जिसमें हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज निकाली थी, तो वो टेबल हमें तैयार करना पड़ेगा और उस टेबल में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही मिनिमम वैल्यूज की आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके फिर मैं केस को डिस्कस कर रही हूँ कि अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ अनबाउंडेड सॉल्यूशन लिखना है हमने, इसमें आगे टेबल नहीं बनेगा। और अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो टेबल बनेगा और उसमें हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट केस इज इनफिजिबल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और नो फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, तो इस केस में क्या करना है हमने, सेम वही मेथड वही होगा सारा, एंड में थोड़ा चेंज है। ओके, जैसे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स कितने हैं यहाँ, वन एंड टू, दो कॉन्स्टेंट्स हो गए, ये हो गई हमारी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो जो दो कॉन्स्टेंट्स होंगे डैट मीन्स दो ही लाइन्स बनेगी हमारे पास, तो इन लाइन्स को बनाएंगे पहले। नाउ फर्स्ट लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। नाउ पुट x इज इक्वल, देखिए यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों हैं, तो डैट मीन्स हम x और y की दोनों की वैल्यू 0-0 ले सकते हैं अब। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। नेक्स्ट y की वैल्यू 0 पुट करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो हमारे पास पॉइंट बन गए 0,8 एंड यहाँ बन जाएगा 8,0। ओके, यहाँ 2-2 का डिफरेंस ले लेंगे हम, 2, 4, 6, 8। नाउ ये हमारे पास बन गया 8,0 एंड 1 इज 0,8। ओके, तो इनको हम ज्वाइन कर लेंगे पहले, ये ज्वाइन कर लिया। ओके, तो ये बन गई हमारे पास फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, दैट इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। नाउ सेकेंड लाइन इज, सेकेंड लाइन है हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। नाउ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी हमारे पास 3, एंड अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ओके, तो पॉइंट बन गए हमारे पास 0,3 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 5,0। ओके स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए एक तो आ गया 0,3, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और नेक्स्ट इज 5,0, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ओके, तो इनको हम इनको भी ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन करके हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सेकेंड लाइन, ये आ जाएगी हमारे पास सेकेंड लाइन। ओके, अब इनकी डायरेक्शंस देखनी है हमने, डायरेक्शन क्या होगी, फर्स्ट जो लाइन है इसकी डायरेक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स अपवर्ड साइड, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट लाइन, दिस लाइन इज द फर्स्ट लाइन, इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की साइड, एक एरो बना लिया हमने। ओके, और जो सेकेंड लाइन है इसकी डायरेक्शन है लेस देन इक्वल टू, मीन्स डाउनवर्ड्स, तो इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ। ओके, तो ये ऐसा केस है जिसमें देखिए जितनी लाइंस हैं उनकी डायरेक्शंस उतनी ही डिफरेंट डिफरेंट होगी, जैसे हमारे पास दो लाइंस हो गई तो दोनों लाइंस की अपनी अपनी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड हो गई, मीन्स दो दो रीजन बने जिस ग्राफ में दो दो रीजन बनेंगे और कह सकते हैं हम, तो उसमें केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो जब ये ऐसा केस आ जाए तो इस केस को हम बोलेंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और नो फिजिबल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो ग्राफिकल मेथड से ही आएंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।